प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिन की यात्रा पर इजराइल रवाना हो गए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते के 25 साल पूरे होने पर संबंधों को गर्माहट देने के लिए मोदी की ये यात्रा कई मायनों में खास होने वाली है। इजराइल से भारत की दोस्ती को देखते हुए खाड़ी देश हालांकि नाराज हो सकते हैं। इजराइल का अपना ही एक इतिहास है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा है गाजा पट्टी का विवाद। यही कारण है कि भारत ने भी फिलिस्तीन से कुछ समय के लिए दूरी बना ली है। 1947 के बाद जब यूएन ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें एक अहम मुद्दा ज्यूइश राज्य के रूप में स्वीकार करना है, तो दूसरा गाजा पट्टी है, जो इजराइल की स्थापना के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ है। जून 1967 में जब दूसरी जंग हुई तो 6 दिनों तक चली, जिसमें इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इजराइल का ये कब्जा 25 सालों तक चला, लेकिन दिसंबर 1987 में गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच दंगों और हिंसक झड़प के कारण और इजरायली सैनिकों पर कब्जा करने से एक विद्रोह का रूप दे दिया। 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके साथ ही गाजा पर कई प्रतिबंधों को मंजूरी दी, जिसमें बिजली कटौती, भारी प्रतिबंधित आयात और सीमा को बंद करना शामिल था। जनवरी 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर इन प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया और इसके अलावा पूरी तरह से गाजा पट्टी के साथ अपनी सीमा को सील कर दिया, ताकि अस्थायी रूप से ईंधन आयात को रोका जा सके। यूरोपियन यूनियन के पीछे हटने और सहमति के बाद गाजा पट्टी को चारों तरफ से सील कर दिया। इजराइल ने द ग्रेट वॉल ऑफ इजराइल से इस घेर को अपने देश की किलेबंदी कर ली है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।